कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंत्री हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में इस वक्त लाइव हैं जनाब उस्ताद नवीद मुगल साहब की छत पे जहाँ पे रस्म पर पिटाई हुई है और इससे पहली वाली वीडियो में आप वो देख सकते हैं। अब तमाम तर दोस्त अहबाब और असाज़ा कराम यहाँ पर मौजूद हैं तो हम कुछ बात करेंगे। उस्ताद हाजी अताउल्लाह हुमायूं साहब से शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप ठीक ठाक? ये जो पर पिटाई है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से करनी चाहिए और कौन कौन से पर स्टार्ट में खींचने चाहिए और कुछ छोड़ देने चाहिए, क्या करना चाहिए? असल में ना अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाए तो पहले 10 पर दोनों साइड के निकालते हैं जो पुराने उस्ताद से बड़े आई साहब उस्ताद अजमल की टीम शुरू से ऐसे निकालते हैं, 10-10 निकाल देते हैं, बगले और दुम बाद में खींचते हैं। कितने दिन के बाद? तकरीबन 20 दिन बाद। 20 दिन के बाद? हाँ जी। अच्छा, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कबूतर ज़रा सेहत में रहता है? कबूतर तो सेहत वैसे ही रहती, सेहत में नहीं इतना फ़र्क आता। जो बाहर के 10-10 पार होते हैं ना वो ज़रा वो तगड़े निकलते हैं, ब्लड उनमें सही रहता है, यूज़ पूरी उसमें वेन में चलेगा जी, इसलिए आप कह रहे हैं सही हो गया। तो उसके बाद फौरी तौर पे इनको क्या कुछ कोई खास चीज़ें देनी? पेन किलर को हल्का सा देना चाहिए, सिर्फ ब्रूफिन टाइप देना, ब्रूफिन सेप्टन वगैरह ऐसे लाइट सा देना चाहिए, पेन किलर दो दिन का ताकि वो बेहतर हो। बिल्कुल सर, कितने दिन पहले जो है कबूतर जो है उसकी पिटाई हो जानी चाहिए फिर तो सर? असल में ना भाई जान कबूतर हमेशा मेरे उस्ताद मतलब कहते थे हाजी सरवर साहब अल्लाह उनको जंदर फरदौस में जगह दे, कहते थे कबूतर उड़ा के घोड़ा दौड़ा के फिर ही बनता है। कितने जल्दी आप इनको खींचेंगे ठंडे मौसम से लेकर चलते जाएंगे गर्म की तरफ बेहतर होता जाएगा। आप गर्मी में इनको निकालेंगे जब टेम्परेचर 40+ हुआ होगा फिर ऊपर भी जाते हुए इनको टाइम लगेगा, कुछ ज़ाया भी ज़्यादा होंगे। ठंडे से लेके चलेंगे ये रूटीन से चलते लगे जाएंगे, टेम्परेचर बर्दाश्त करते लगे। कम से कम कितनी फिरते एक कबूतर को होनी चाहिए पहली बाजी से पहले लाहौर के हिसाब से? लाहौर से हिसाब से तो कबूतर बिल्कुल राठ बना हो तो फिर ही है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आपने मुसलसल 10-12 दिन उड़ा के उनको सीधा करना है या प्यार से लेके आना है, ये वो आपका कुलिया है। तो अंदाजन कितनी फिरते होनी चाहिए? कम से कम 13 से 15 फिरते लाजमी, 10+ होनी चाहिए। 10+? हाँ, जब वो चर्बी वगैरह खोरे उसके बाद उसको खुराक पे लगा के फिर उसके बाद आगे चला। बाद हमारे कुछ साथी हैं और भी वो कच्चे पक्के होते हैं खुराक लगा, बहुत प्यार वाला होता है ना परिंदा उनका, वो पहले दिन ही ला देंगे, शुरू हो जाते खुराक देनी तो फिर वो कहता है ठीक है खिलाई जा मैं आगे ले जाना होते। हाँ बिल्कुल ऐसे। अच्छा ऐसे भी अभी आपका जो उस्ताद हाजी मलिक लतीफ़ हुमायूं पार्टी है तो ये कितना इस दफ़ा कितनी छतें आपकी जो आगे परफॉर्म करेंगी इस सीज़न में? आज भी एक छत तो आज भी उड़ रही है आप। इंशाल्लाह ताला जेठ में हमारी 15 से 20 छतें होंगी। अच्छा इंशाल्लाह 15 से 20 छतें उस्ताद हाजी मलिक लतीफ़ हुमायूं पार्टी जी। बिल्कुल सही उस्ताद मलिक ने कमान साहब हमारे साथ मौजूद उस्ताद जी पूछ रहे हैं, उस्ताद जी इस वारी केड़ा केड़ा सीज़न खेलना? 76 बसार तो जेठ तीनों सीज़न खेलो तीन। बिल्कुल सही है उस्ताद जी, की फ़र्क है कबूतरबाजी से इस साइड जिते असं बैठे हैं तो शिगिर की छत एक तो डेली साइड है तो कोई फर्क महसूस होता है इधर? नहीं मौसम का या कोई इतने सफर सा फर्क नहीं महसूस होता। अच्छा जो अंदरून शहर से फर्क महसूस होता है? अच्छा अंदरून होएगा तो महसूस होगा, जैसे मेरी छत है। हाँ जी वो तो बहुत मुश्किल है, वो छत लागे लागे छत होती है बहुत, टेम्परेचर जरा मिला मुला ना टेम्परेचर फर्क पैंदा। बिल्कुल ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਮੌਸਮ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਲੂਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਕਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਥੋੜੀ ਸਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਲਾ ਕੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਾਹ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੱਪ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਏ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ ਕੱਪ ਡਾਉਣ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਉਡਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਵਾਂਗੇ 1 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰ अच्छा लाख वाला नहीं होना? नहीं। अच्छा सही हो वो नहीं उड़ाना बाकी सारे उड़ाने सारे डांगे बिल्कुल सही होगा। तो की कहोगे उस्ताद हाजी मलिक लतीफ़ हुमायूं पार्टी बारे तो उस्ताद हाजी मलिक लतीफ़ साहब बारे? साढ़े बुजुर्ग ने असी साढ़े व्डे समझ लो कि असी जो मैं तो जो मेरा उस्ताद शाह साहब फौदे ने मलिक लतीफ मिल के शौक किया तो इंशाल्लाह जिंदगी जिन्ना चिर हजाती है शौक देखो ये गेम एक बिल्कुल जिंदगी का पता एक मिनट का नहीं है
मेरी कोशिश है कि मैं सरप्रस्ती मलक लतीफ पार्टी नाल शौक करा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरे बुजुर्ग ने बिल्कुल सही मैं इन्हां दी बहुत इज्जत करना हूं बिल्कुल सही उड़न डिया चलो फिर असि भी उड़ा लीए एक भी उड़ाओ दौड़ा 5-10 हज़ार एंट्री वाला बस ज्यादा लाख का रख देना तुम्हें नहीं नहीं लाख सामने मजदूर तबका कबूतरबाज फर्क पड़ा उड़ावे तो दस रहे थे कामों की हाफजाबाद फैसलाबाद हर पास शिकिरद उत्थे जाके भी उड़ाए ना के बस इत्थे बह के उधर जाके भी उड़ाए उड़ा के 11 मारिया नु भी उड़ा के उधर कामों की की फर्क वेख्या तुसी लाहौर दा ते उधर लाहौर दा रे दा फर्क इन्ना नहीं हैगा कामों दे नहीं हाफजाबाद हाफजाबाद थोड़ा फर्क है अच्छा थोड़ी नमी है तना सही थोड़ा फर्क है हाफजाबाद दा ते फैसलाबाद का फर्क है ओ जरा ही इलाका है ना हाफजाबाद ते पे इशारा सही नहीं उधर अच्छा कितने कितने बजे तक ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਛੰਤ ਨਾ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਲਾਲਪੁਰ ਬੱਟੀਆਂ ਚੱਲ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਰ ਗਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਛੰਤ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਛੱਤ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਮਲਕ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ ਵਾਂ ਤੇ ਮਲਕ ਸਨਾ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਛੱਤ ਹੈ उस्ताद नवीद मुगल साहब क्या कहना चाहेंगे आपके छत पर बैठे हुए उसके बाद अजान हो रही है तो फिर वाइंड अप करते हैं तो आपके उस्ताद भी आए हुए हैं आप उस्ताद हजरतुल्लाह साहब भी आए हुए हैं मैं इनकी सरपरस्ती में जो भी है करता हूँ कबूतरबाजी की उस्ताद मलिक नेकवान उस्ताद हैं और कबूतरबाजी में जो हजरतुल्लाह साहब हैं ये काफ़ी सपोर्ट करते हैं और मेरे तकरीबन 5 साल से कबूतर यही उड़ा रहे हैं अच्छा हाँ जी माशाल्लाह तो इस दफा कितने सीजन उड़ने आप इस दफा चेतर बच्चों का उड़ाऊंगा और जेट उड़ाऊंगा चलेंगे बेस्ट ऑफ लक आपको आप तमाम दोस्तों को हां जी बोला जी इस बारी की फिर प्लानिंग है की करना है 100 कबूतर अज पुटना अच्छा 100 कबूतर पुटना 100 मादी अच्छा ते आ थोड़े है 80-90 ए बाद च पुटना 10 दिन खाओगे बाकी जिदा दिल कर बाजिया शौक कर नवीद साहब ने उन्हें इन्हों शिगिर्द किया तो रसगुल्ले का असर है उन्हें सारे लाहौर न दावत शोक देता है नवीद मुगल की छत जेठ 2022 का जो है ठीक है जरा कुछ करना दोस्ताना माहौल अपनी पार्टी ते अपने दोस्त बाप छड़ के
दावत शौक चले जी बहुत अच्छे ने जी ये दावत शौक भी आ गई उस्ताद नबी मुगल साहब और भोला जी भोला जी ने भी दे दिया जी दावत शौक और नवीन मुगल साहब की जेठ जेठ में जी दावत शौक है अपनी पार्टी यानी के उस्ताद हाजी मलिक लतीफ हुमायूं पार्टी और उनके जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके अलावा जितने भी शायकीन अगर इनके साथ कोई वन टू वन मुकाबला खेलना चाहते हैं तो वो इनसे रब्ता कर सकते हैं जेठ जेठ के लिए क्या दिया जेठ के लिए जेठ 2022 के लिए। तो इसके साथ ही अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।